दो बार की वर्ल्ड चैंपियन रेसलर विनेश फोगाट ने कहा कि उनका खेल मंत्रालय की ओवरसाइट कमेटी में विश्वास खत्म हो गया है और अगर कमेटी के निष्कर्षों को सार्वजनिक नहीं किया गया तो वह और अन्य पहलवान कोर्ट जा सकते हैं। भारतीय कुश्ती महासंघ के तत्कालीन अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली विनेश ने कहा कि खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और मैरी कॉम फोन कॉल का जवाब नहीं दे रहे हैं। गौरतलब है कि समिति को 23 फरवरी तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी। विनेश ने रविवार को इंडियन एक्सप्रेस से कहा, हमने एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा उठाया है जो महिला पहलवानों की सुरक्षा से जुड़ा है। कमेटी से हमारा भरोसा उठ गया है। सरकार की ओर से हमें कुछ आश्वासन मिले लेकिन उन्हें भी पूरा नहीं किया गया। हर बार जब हम पूछते हैं कि ओवरसाइट कमेटी की रिपोर्ट की स्थिति और निष्कर्ष क्या है तो किसी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर को 1046 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि सतत और बगैर रुकावट के विकास के लिए ट्रिपल इंजन की सरकार जरूरी है। गोरखपुर की जनता से उन्होंने निकाय चुनाव के साथ साथ लोकसभा चुनाव 2024 में भी कमल खिलाने की अपील की है। 258 विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखते हुए उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की अगुवाई में देश तरक्की कर रहा है। पूर्व कांग्रेस नेता और डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के संस्थापक गुलाम नबी आजाद ने दावा किया है कि राहुल गांधी विदेश में अवांछित बिजनेसमैन से मिलते हैं। हालांकि उन्होंने इसे लेकर ज्यादा जानकारी नहीं दी है। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये बातें कही हैं। गुलाम नबी आजाद के दावे के बाद बीजेपी ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी ने कहा है कि राहुल गांधी ये बताएं कि विदेश में वो किस अवांछित बिजनेसमैन से मिलते हैं। कंगना रनौत इन दिनों फिर से अपनी पोस्ट को लेकर सुर्खियों में आ गई हैं। दरअसल करण जौहर को एक पुराने वीडियो के लिए ट्रोल किया जा रहा था तो करण ने आरोपों को झूठा बताया। अब उनकी पोस्ट पर कंगना ने रिएक्शन दिया है। एक्ट्रेस ने करण जौहर पर अपमान करने का आरोप लगाते हुए इंस्टा स्टोरी पर लिखा है, पहले करण नेशनल टीवी पर उनका अपमान किया करते थे और धमकियां देते थे। फिर कंगना ने आगे लिखा, आज इनकी हिंदी देखकर ख्याल आया, अभी तो सिर्फ तुम्हारी हिंदी सुधरी है, आगे देखो होता है क्या।